नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों हमारे चैनल पर आज से मध्य प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों यहाँ पर एक MP GK की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना एवं उससे संबंधित करीब यहाँ पर हम 50 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों देखें कि प्रश्न किस तरीके से थे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं दोस्तों जो पिछली बार प्रीवियस ईयर में मध्य प्रदेश पुलिस में वो प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला यहाँ पर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, बरगी, इंदिरा सागर, ओमकालेश्वर या फिर बाण सागर। तो दोस्तों बात करें जो हमारा सही प्रश्न है, बाण सागर जो बांध है दोस्तों वो हमारा नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर साबरमती नदी पर। तो दोस्तों आंसर आप अपना जल्दी दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। बाण सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, तापती, सोन या फिर तवा। तो दोस्तों जो आपका बाण सागर बांध है वो आपका सोन नदी पर बना हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, सतना जिले से, बालाघाट जिले से, रायसेन से या फिर भिंड जिले से। तो जो आपकी हलाली जो दोस्तों नहर है वो मध्य प्रदेश के रायसेन से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। वामन थड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो आपकी वामन थड़ी सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संयुक्त जो है, इन दो राज्यों की ये जो है ये परियोजना है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, तो दोस्तों 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को लागू किया गया था, आप इस बात को याद रखेंगे। निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो जो आपकी नर्मदा घाटी परियोजना है दोस्तों वो मध्य प्रदेश और गुजरात की जो है वो संयुक्त परियोजना है। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई है, तो ये दोस्तों जो सोन नदी परियोजना है वो जो है दोस्तों आपकी बाण सागर परियोजना शहडोल के ऊपर जो है ये विकसित की गई है। यानी कि जो सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर है, तो सोन नदी के ऊपर दोस्तों आपका बाण सागर परियोजना और किस जगह पर है, तो ये आपकी शहडोल जिले में है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों एक ही प्रश्न आप देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल 2016 में भी पूछा गया था कि इंदिरा सागर बांध किस वर्ष चालू किया गया था, तो इंदिरा सागर बांध जो है दोस्तों आपका 2005 में चालू किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये प्रश्न भी आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में पूछा जा चुका है कि भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है, इको पर्यटन स्थल कौन सा है दोस्तों, केरवा बांध, आप इसे याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है, केरवा बांध जो है वो आपका इको पर्यटन स्थल है। ये इस तरह से पूछ सकता है कि जो आपका केरवा बांध है वह भोपाल में है और किस तरह का पर्यटन स्थल है, तो आप बता पाएं कि ये एक प्रकार का इको पर्यटन स्थल है। चंबल परियोजना किन दो राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है, तो जो आपका चंबल परियोजना है वो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश का मिला जुला सहायक कार्य है।
अगला जो प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है? ये प्रश्न आपका दोस्तों ANM में पूछा गया था और पुलिस आरक्षक 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो जो आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है, वो है आपका इंदिरा सागर बांध। आप इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है वो हमारा पगारा बांध है दोस्तों। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, MP पुलिस में पूछा जा चुका है कि मिथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना तवा में क्या चीज सामान्य है या क्या चीज सामान्य है, आप इसे देख सकते हैं। तो जो आपका मिथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना तवा में क्या चीज सामान्य है, तो सभी जो है नर्मदा में सिंचाई बांध हैं। ये जो दोस्तों आपके दिए गए हैं ये क्या सामान्य है इन सब में, तो ये जो है ये सभी नर्मदा नदी में एक सामान्य सिंचाई बांध हैं। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा बांध बड़वानी जिले में पचपूला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो लोअर गोई बांध जो है वो आपका बड़वानी जिले के पचपूला गांव में बनाया जा रहा है। आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका सब ग्रुप 2 2017 ANM ट्रेनिंग 16 और पुलिस आरक्षक 16 में पूछा जा चुका है कि किस जिले में बेन गंगा नहर है। तो बेन गंगा नहर आपकी बालाघाट जिले में है और दोस्तों ये शायद मध्य प्रदेश की पहली नहर भी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आप देख सकते हैं, पुलिस आरक्षक 2015 और MPSI 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बांध जो भोपाल में स्थित है, जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, वह कौन सा बांध है? तो आपका भदभदा जो बांध है वो आपका कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुलिस आरक्षक 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करती है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो है शक्ति की आपूर्ति करती है, इस बात का याद रखेंगे आप। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुलिस आरक्षक 16 और ANM ट्रेनिंग चयन परीक्षा 16 में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्या में से एक क्या है? पानी स्त्राव, बाढ़, सूखा या फिर आपका जल भराव। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्या है और उनमें से जो एक है ये आपका जल भराव है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल भराव हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो जो आपका रातापानी बांध है वो रायसेन जिले में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। तवा जलाशय निम्न के बीच बसा है, यानी कि जो तवा जलाशय है वो कहाँ पर बसा हुआ है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तवा जलाशय है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व बोरी अभ्यारण्य के बीच बसा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न है कि पुलिस आरक्षक में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित बांधों में से, ये आपको बांध दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो दोस्तों जो आपका कोयना विद्युत परियोजना है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो अभी इसका हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि जो आपका इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पुनासा गांव में बनाया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है आपका, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। आप इसे याद या ध्यान रखेंगे।
मध्य प्रदेश की चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है। जो मध्य प्रदेश का चट्टानी इलाका है वो टैंक सिंचाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, बढ़िया प्रश्न था ये। तो आप देख सकते हैं पुलिस आरक्षक 16 में ये जो प्रश्न है पूछा जा चुका है कि बांधों संजय सरोवर और सारथी के बीच आम क्या है। जो बांध है और संजय सरोवर सारथी है उसके बीच क्या कॉमन है। तो ये जो दोस्तों ये जो है दोनों बेन गंगा नदी पर हैं, आप इसे याद रखें। यानी कि बांध संजय सरोवर और सारथी जो है ये दोनों बेन गंगा नदी पर हैं, ये चीज कॉमन है। रामपुर कुणाल टैंक निम्न के बीच स्थित है। यानी कि जो आपका रामपुर कुणाल टैंक है वो किन दो जिलों के बीच स्थित है। तो वो आपका इंदौर और भोपाल के बीच स्थित है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध जिसका 1010 से 1053 ईस्वी में निर्माण कराया गया था, वो आपका जो बांध है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। साइक्लोपियन बांध जो है इसका निर्माण आपका 1010 से 1053 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किन्ने की थी। तो दोस्तों जो आपका सरदार सरोवर बांध है उनकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगला जो आपका प्रश्न है ये भी दोस्तों एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि जो आपका बाघ सिंचाई परियोजना है या योजना है वो किस जिले को लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों जो आपकी बाघ सिंचाई योजना है वो बालाघाट जिले को लाभ पहुंचाती है। किस जिले में अवदा बांध जो है स्थित है, तो आपका जो शिवपुर है दोस्तों उधर अवदा बांध स्थित है। बाघ सिंचाई परियोजना है जो खालिस्तान नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों बाघ सिंचाई जो परियोजना है मुख्य रूप से बालाघाट को पानी या पूर्ति करती है। आपको मैंने अभी बताया, आप देख सकते हैं वो जैसा कि देखा दोस्तों हमने कि बाघ सिंचाई योजना जो है वो बालाघाट जिले को लाभ पहुंचाती है। और अब पूछा गया है दोस्तों कि बाघ सिंचाई परियोजना किस नदी को शामिल किया गया है, तो गोदावरी जो है नदी उसको शामिल किया गया है। और बाघ सिंचाई जो परियोजना है वो बालाघाट जिले को लाभ पहुंचाती है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। यानी कि जो आपकी बंजर सिंचाई परियोजना है वो किस वर्ष पूरी की गई थी, तो 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना जो है वो पूरी हो चुकी थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में NVDA द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजनाओं में से एक परियोजना है। तो दोस्तों जो आपकी नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना है वो आपकी चिंकी परियोजना है, याद रखेंगे। किनके द्वारा, ये आपका NVDA द्वारा की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में NVDA द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना है चिंकी। ये प्रश्न अभी दोस्तों आया, दोबारा आ चुका था, उसके लिए माफी। तो अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। NBPCL से तात्पर्य है ये क्या है। NBPCL जो है दोस्तों नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है। आप इसे याद करेंगे कि जो NBPCL क्या है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है। हलाली जो है वो किस जिले में स्थित है। हलाली जो है आपका रायसेन जिले में स्थित है। बेनीगंज जो है दोस्तों वो किस जिले में एक सिंचाई नहर है। बेनीगंज एक नहर है जो कि किस जिले में स्थित है, तो ये जो है छतरपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है, क्योंकि ये एक बार फिर से हम आपको प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं। कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है क्योंकि ये जमीन का बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, इसलिए दोस्तों विवादास्पद है, आप इसे याद रखेंगे। जो आपकी कुंडलिया परियोजना है वो विवादास्पद क्यों है, क्योंकि जमीन का यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा है वो डूब जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों कि जो बांध
जो कि तांदुला नदी पर है उसमें शामिल है, तांदुला और सुखा याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन वाटर सेड मिशन है, कौन सा मिशन है? इंदिरा गांधी गंगा बेसिन, राजीव गांधी या फिर गंगा यमुना? तो दोस्तों जो आपका मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन वाटर सेड है वह है आपका राजीव गांधी, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंचाई के संदर्भ में ERM खाली स्थान को दर्शाता है, जो ERM है वो आपका विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण को दर्शाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर है। अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान यानी कि किस जिले में स्थित है? अपर तिवारा नहर परियोजना आपकी सिवनी जिले में स्थित है, आप इसे याद ध्यान रखिएगा। मणिखेड़ा बांध खालिस्तान नदी के ऊपर बना हुआ है, आप इसे बताएंगे। मणिखेड़ा बांध जो है वो आपका सिंध नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। रेहटी एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है और किस जिले में स्थित है? तो जो आपकी रेहटी सिंचाई परियोजना है वो आपकी विदिशा जिले में स्थित है। गुलाब सागर महान परियोजना किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर महान परियोजना आपकी सीधी जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा तालाब है, कौन सा तालाब है? बड़ा तालाब इसका नाम है, एशिया का सबसे बड़ा तालाब बड़ा तालाब है, आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक दोस्तों इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज चालू रहेगी मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।